फर्स्ट सीजन 12 के कंटेस्टेंट श्रीशांत की अपकमिंग फिल्म कैबरेट अगले हफ्ते होने वाली है पर्दे पर रिलीज। जी हां, बिग बॉस के बाद अब श्रीशांत की एक फिल्म आ रही है, लेकिन आप लोगों को बता दें कि ये फिल्म 2015 में ही शूट कर ली गई थी और इसे 6 मई 2016 को रिलीज होना था, लेकिन सेंसर बोर्ड की वजह से फिल्म अटकी रही और अब फिल्म इस साल रिलीज होने वाली है। वहीं फिल्म में ऋचा चड्डा लीड रोल में दिखाई दे रही है। फिल्म में ऋचा चड्डा राजश्री नाम की एक लड़की का किरदार निभा रही है, जो कि पेशे से कैबरेट डांसर होगी। राजश्री एक ऐसी लड़की है जो झारखंड से मुंबई अपने सपनों को पूरा करने के लिए आई, अपना एक घर खरीदने, अपना डांस स्कूल खोलने आई, लेकिन एक कैबरेट डांसर बनकर रह गई। वही फिल्म में श्रीशांत का किरदार एक दमदार किरदार है। श्रीशांत को फिल्म में चड्डा नाम दिया गया है। जब राजश्री अंत में अपने आप को लेकर, अपनी जिंदगी को लेकर कुछ नहीं कर पाएगी, तब वो चड्डा के पास मदद के लिए जाएगी। ये भी बता दें कि फिल्म में श्रीशांत ने अपनी आवाज नहीं दी है, बल्कि श्री के लिए आवाज डब की गई है, क्योंकि हिंदी फिल्म है, इस वजह से श्रीशांत सिर्फ लिपसिंग करते हुए नजर आएंगे। जानकारी दे दें कि फिल्म को प्रोड्यूस पूजा भट्ट और भूषण कुमार ने मिलकर किया है। फिलहाल श्री फैंस उनकी इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। अब देखना ये है कि जब ये फिल्म रिलीज होती है तो क्या श्री की पॉपुलैरिटी का फायदा इस फिल्म को मिल पाता है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स ने तो इस वक्त में फिल्म लॉन्च करके अपना दांव खेल दिया। अब इंतजार है नतीजों का। फाइनल कट एंटरटेनमेंट डेस्क।